मौसम विभाग की चेतावनी के बाद जिले में सभी विभागों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने कुमाऊं मंडल में भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिसके बाद जिलाधिकारी ने SDRF कलेक्ट्रेट सभागार आपदा विभाग समेत जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ चर्चा की, साथ ही आपदा के दौरान राहत और बचाव कार्यों के लिए तैयार रहने को कहा है। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को अपने क्षेत्र में स्वयं व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने को कहा है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि मॉनसून सत्र के दौरान कोई भी अधिकारी अपना फोन बंद नहीं रखेंगे और किसी भी क्षेत्र में कोई भी घटना होने पर तत्काल इसकी सूचना कंट्रोल रूम और संबंधित विभाग को उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा उन्होंने सड़क निर्माणदायी संस्थाओं को भूस्खलन क्षेत्रों के पास JCB और पर्याप्त मैन पावर की तैनाती के लिए योजना तैयार करने, JCB ऑपरेटर, अवर अभियंता और सहायक अभियंता के फोन नंबर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। आपदा प्रबंधन के लिए पूरी तरह से है और JCB वगैरह का डिप्लॉयमेंट हो चुका है और कंट्रोल रूम हमारा सभी तहसीलों में ऑलरेडी गतिशील है और जितने भी हमारे चाहे वो खनिज की बात है हमारे दूरदराज एरिया में सब जगह ऑलरेडी सभी चीज़ विद्यमान है। और भी वैसे तो अभी तक जो रोड बंद होने की घटना हुई तो हमारी मेजर रोड को भी ऐसी बंद नहीं हुई है, लेकिन जो गाँव की छोटी छोटी सड़कें बंद हो रही तो उसको पता से विभाग द्वारा अखबार भी जा रहा है और आज हेलो उत्तराखंड न्यूज़ के लिए बागेश्वर से नरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।